केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की गणित और 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा कराएगा। हालांकि अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि यह परीक्षा किस दिन दोबारा होगी। पेपर लीक होने की खबर के बाद सीबीएसई ने गणित और अर्थशास्त्र की परीक्षा रद्द कर दी और दोबारा पेपर कराने का फैसला लिया है। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। सीबीएसई ने बताया कि परीक्षा की तारीख की घोषणा एक सप्ताह के अंदर वेबसाइट पर कर दी जाएगी। इस साल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पेपर लीक होने की चर्चाएं थी। पुलिस कुछ एक मामलों में जांच भी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा को दोष मुक्त रखने के लिए बोर्ड ने यह फैसला किया है। आपको बता दें कि इस साल 5 मार्च से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई थी। 12वीं अर्थशास्त्र की परीक्षा 27 मार्च को और 10वीं गणित की परीक्षा 28 मार्च को हुई थी। इन परीक्षाओं में देश भर से 28,24,734 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। सीबीएसई के मुताबिक इस साल 10वीं की परीक्षा में 16,38,428 और 12वीं की परीक्षा में 11,86,306 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हुए थे। अब एक बार फिर सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी में जुटना पड़ेगा।